हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो करीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है और हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो बस इन्हें लेकर जा रही हूँ मैं, और इनके एक फ्रेंड हैं भैया, वो जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं बस। और बच्चे जो हैं वो घर पर ही रहेंगे, बच्चों को नहीं लेकर जा रही हूँ क्योंकि जो है रात हो जाएगी हमको आने में। यहाँ से करीबन 1-1.5 घंटे की रास्ता है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। तो बस गाड़ी आ चुकी है और हम लोग जा रहे हैं। तो गाड़ी में बैठ चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा सा ना इनको डॉक्टर ने डस्ट वगैरह से दूर रहने के लिए बोला है, इसलिए इस तरीके से यहाँ रुमाल बांध लिया है इन्होंने। और बस 1-1.5 घंटा लगेगा यहाँ से पहुँचने में। तो बच्चों को घर छोड़ दिया है क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी बहन आई हुई हैं, तो उनको भी मैंने जाने नहीं दिया था, जाने की बोल रही थी। मैंने कहा अभी थोड़ा सा रुक जाओ, चले जाना, आज का चेकअप करा लूँगी। उसके बाद ये है कि पता नहीं डॉक्टर 10-15 दिन बाद बुलाएं या 1 महीने बाद बुलाएं, जैसे भी होगा। तो करीबन 10-12 दिन हो गए हैं और 10-12 दिन से जो है इसी तरीके से डॉक्टरों के पास जाना हो रहा है हमारा। तो इनको हुआ क्या था मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है, और ना ही मुझे टाइम मिला, ना ही मन था वीडियो बनाने का, इसलिए कोई भी वीडियो नहीं गई थी उस टाइम। लेकिन इनकी जो हालत थी ना बहुत ज़्यादा बुरी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो लास्ट में जो क्लिप हैं वो मैं लगा दूँगी। तो यहाँ पर जो है हम मुरादाबाद पहुंच चुके हैं और इनको ना प्रॉब्लम जो हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, मतलब पहली बार मैंने ऐसा देखा था। तो ये रात में सो रहे थे और करीबन रात को 2-2.5 बजे इनकी नाक से ना ब्लड आने लगा था। तो वो सोचा हमने शायद ऐसे हो जाता है कभी कभी गर्मी की वजह से, तो शायद इसलिए है, लेकिन ब्लड बंद ही नहीं हो रहा था, बंद ही नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर मैंने अपने देवर हैं मेरे भैया, उनको मैंने फ़ोन किया तो वो आ गए थे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बीपी चेक किया तो बताया कि बीपी की वजह से जो है इनको ये प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ चंदौसी में जो है काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया लेकिन उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। और मुरादाबाद लेकर जा रहे थे तो संडे था, तो संडे की वजह से वहाँ पर कोई भी मतलब डॉक्टर था नहीं, डॉक्टर कहीं गए हुए थे बाहर। तो जहाँ से इनका पहले ट्रीटमेंट चल रहा था वो वाले डॉक्टर भी कहीं गए हुए थे। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं और जो है मेरी दोनों बुआ जी आ गई हैं। मेरी दोनों बुआ जी मुरादाबाद में ही रहती हैं, तो आज भी आई हैं ये और उस दिन भी आ गई थी, सुबह से शाम तक मेरे साथ ही रही थी। तो मेरी ये दोनों बुआ जी आ चुकी हैं और बस हम लोग बैठे रहे थे काफ़ी देर क्योंकि डॉक्टर जो है आए नहीं थे अभी, और मतलब नंबर लगवा दिया था 1 दिन पहले ही हमने फ़ोन करके, और बस इनका जो अभी नंबर है वो आया नहीं है, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। यहाँ पर फूफा जी और भैया वगैरह भी आ गया था मेरा, तो सभी लोग जो हैं यहाँ पर वेट कर रहे हैं, काफ़ी सारे पेशेंट थे। तो बस यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लगा, बहुत देर लगी तब जाकर इनका नंबर आया था, जबकि 1 दिन पहले नंबर लगवा दिया था, लेकिन फिर भी जो है इतना लेट हो गया। तो बस ऐसे ही है, जो डॉक्टर अच्छे होते हैं ना और बहुत ज़्यादा होते हैं वो, उन डॉक्टर के ही ऐसे ही टाइम लगता है। तो बस यहाँ पर, लेकिन हाँ ये है कि एकदम से ना इनको फ़ायदा हो गया था काफ़ी, जिस तरीके से इनकी कंडीशन थी ना उस तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इनको। अब तो काफ़ी ठीक है, काफ़ी ठीक है, उस टाइम तो समझ लीजिए देखा नहीं जा रहा था ये हालत हो गई थी। तो बस सारे चेकअप वगैरह करा लिए हैं, करीबन 7:30 बज रहे हैं और यहाँ पर दवाई वगैरह लेकर हम चल दिए हैं अपने घर के लिए, क्योंकि 1-1.5 घंटे की रास्ता है तो हमें पहुँचने में 8:30 तो बज ही जाएंगे, तो 8:30 या 9 का टाइम ऐसे ही लगेगा, मतलब क्योंकि रात का समय है तो थोड़ा सा गाड़ी जो है आराम से ही चलाएंगे। तो बस यहाँ पर
दवाई ले ली है इनकी, और अभी ना डिटेल में सारी चीज़ें मैंने आपको बताई नहीं है क्योंकि बस ऐसे ही है। और किसी दिन डिटेल में पूरी वीडियो डालूंगी कि कैसे कैसे क्या हुआ था, किस तरीके से हम मतलब कहाँ कहाँ हमने दिखाया, कैसे क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है डिटेल में एक वीडियो अलग से मैं आपको उसकी दूंगी, और यहाँ पर कुछ क्लिप जो है वो मैं लास्ट में लगा दूंगी। तो उस टाइम वो क्लिप भी ना 3-4 दिन बाद की हैं, जो मतलब थोड़ा सा ये ठीक हो गए थे उस टाइम की, लेकिन जिस टाइम इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी ना, उस टाइम की तो क्लिप किसी ने बनाई ही नहीं थी, क्योंकि किसी का मन नहीं था, बच्चों का भी मन नहीं था इधर में, मेरा तो बिल्कुल था ही नहीं कि मैं फ़ोन उठा भी लूँ। बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कहाँ लेकर जाएँ, क्या करें क्या नहीं करें, तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। लेकिन हाँ, भगवान जी और माता रानी की कृपा से बिल्कुल ठीक है अभी, लेकिन बस थोड़ा सा इनको सही से रहना होगा क्योंकि परहेज काफ़ी बताया है और कर लेते हैं ये, ऐसा नहीं है कि परेशान करते हैं या कुछ, बस यही है कि समय की बात है, वरना बहुत परहेज से रहते हैं ये, क्योंकि इनको जब से डायबिटीज़ हुई है ना तब से बहुत ही परहेज से रहते हैं, बिल्कुल भी मीठा वगैरह या कुछ नहीं लेते हैं। लेकिन बस समय की बात है, समय ऐसा आया था जो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, लेकिन बहुत ही अच्छे से सब कुछ ठीक हो गया। बस भगवान इसी तरीके से जो है हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो यहाँ पर जो है हम घर पहुँच चुके हैं, और मेरी जो चाची सास हैं वो आई हुई थी, तो बस बहुत रोज़ आती हैं मेरे पास, रोज़ जब से इनकी तबीयत ख़राब हुई है ना तब से रोज़ मेरे पास आकर बैठ जाती हैं, और मेरी मम्मी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं और बस कुछ बातें कर रही थी ये, तो बस वही बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं। और इनको जो है हमने खाना वाना खिला दिया है, दवाई वगैरह दे दी है, तो ये अंदर जाकर सो गए हैं। तो जिस दिन से इनकी तबीयत ख़राब हुई है ना, उस दिन से इतने सारे लोगों का आना जाना लगा हुआ है कि बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा किसी भी चीज़ का, और आप लोगों से भी एक छोटा सा अपडेट देने का टाइम नहीं था। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ।